Assalamualaikum class 5 students, I hope you will be fine. Today I am going to tell you about your mathematics summer vacation homework, that how can you solve it. Your first question is convert these units and fill in the blanks. First question is 3.6 kilometer is equal to dash meter. आपने मैथ में किलोमीटर्स को मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना, ये सारी चीज़ें आपने सीखी नहीं है. तो फार्मूला अप्लाई करें किस तरह से आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके अमाउंट यहाँ पे ब्लैंक में राइट करें. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच थ्री नंबर्स हैव द सेम आंसर वेदर दे आर एडिड और मल्टीप्लाई टुगेदर. ऐसे कौन से तीन नंबर्स हैं, ऐसे कौन से तीन डिजिट हैं जिनको हम चाहे मल्टीप्लाई कर लें चाहे हम उन्हें ऐड करें, आंसर हमारे पास सेम आएगा. थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, अपने माइंड को ज़रा काम पे लगाएं, सोचें कि ऐसे कौन से तीन डिजिट हैं जो सेम आंसर दे सकते हैं मल्टीप्लाई करने पे भी और ऐड करने पे भी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पैरामीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स. यहाँ पे कुछ फिगर्स आपको दी गई हैं, उनमें उनकी मेजरमेंट भी बताई गई है कि ब्रेथ कितनी है, लेंथ कितनी है. पैरामीटर का फार्मूला अपनी बुक से ढूंढें और इस क्वेश्चन को सॉल्व करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व दिस. इट्स अ पजल क्वेश्चन और यू कैन से इट्स अ मेंटल मैथ क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी. आई गिव यू हिंट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम 9. आपने इसे आगे सॉल्व करते जाना है, कहाँ कौन सा डिजिट आएगा कि आपके पास लास्ट पे जाके 66 आंसर आ जाए. अगर आप इसको लास्ट से स्टार्ट करते हैं तो 66 आंसर आना चाहिए. 10 को किस में से माइनस करें तो हम 10 को 76 में से माइनस करेंगे. अगर आप बैक साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये आपको डबल और थ्राइस करना पड़ सकता है, 3 times करना पड़ सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल, डेसिमल, फ्रैक्शन, परसेंटेज. अगर आपको डेसिमल अमाउंट दी गई है तो आपने उसको सॉल्व करके फ्रैक्शन में और परसेंटेज में चेंज करना है. अगर फ्रैक्शन में अमाउंट दी हुई है तो उसे डेसिमल और परसेंटेज में चेंज करना है, और अगर परसेंटेज में अमाउंट दी हुई है तो उसे फ्रैक्शन और डेसिमल में चेंज करना है. आगे आपको एक छोटा सा क्यूट सा बर्ड दिया हुआ है, इसमें अच्छे से कलर करें और इस बर्ड की कलरिंग को इंजॉय करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट ऑप्शन. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनके राइट आंसर सेलेक्ट करने हैं आपने. फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द प्राइस ऑफ 1 egg इज ₹20 देन द प्राइस ऑफ 12 eggs विल बी. अगर एक अंडे की प्राइस ₹20 है तो 12 अंडों की प्राइस क्या होगी. आप लोगों को अच्छे से पता है कि एक चीज़ की प्राइस बताई गई हो और ज़्यादा की फाइंड करनी हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, और ज़्यादा की बताई गई हो, कम की फाइंड करनी हो तो डिवाइड करते हैं. सो ये फार्मूला अप्लाई करें और ये तमाम क्वेश्चन सॉल्व करें. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ ईच ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज गिवन. हर फ्रूट के 1 kg की प्राइस टेबल में गिवन है, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की प्राइस 1 kg के अकॉर्डिंग दी हुई है. नेक्स्ट उनकी ज़्यादा क्वांटिटी बताई गई है कि ज़्यादा क्वांटिटी में लेट सपोज 4 kg एप्पल हैं, 1 kg ₹90 के हैं, तो 4 kg की प्राइस क्या होगी वो फाइंड करके हमने यहाँ पे राइट करनी है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ द गिवन एंगल्स. यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए गए हैं, हर एंगल को गौर से देखें और सोचें कि ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, राइट एंगल है, कौन सा एंगल है, उसका नाम गिवन एरो में राइट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 13 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू 651, 41 मल्टीप्लाई बाय 23 इज इक्वल टू 448, देन 24 मल्टीप्लाई बाय 22 इज इक्वल टू डैश. आपने फाइंड करना है कि 24 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, आंसर फाइंड करें और यहाँ राइट करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 - 3 डिवाइडेड बाय 1/3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क. हमने इसको बोर्मास रूल के तहत सॉल्व करना है और यहाँ पे इसका आंसर राइट करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज 1.92 डिवाइडेड बाय 3. अगर हम 1.92 को 3 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करें और आंसर राइट करें.
If 72 multiplied by 96 is equal to 6927, 58 multiplied by 87 is equal to 7885, then 79 multiplied by 86 is equal to what? आपने फाइंड करना है कि 79 को 86 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा. अगर आप गौर करें तो दो एग्जांपल क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे कि सेम क्वेश्चन वाली अमाउंट्स के डिजिट्स ही आंसर वाले अमाउंट में आ रहे हैं. तो इसी तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा उस आंसर में सेम यही डिजिट्स यूज होंगे. नेक्स्ट इज हाउ मेनी फीट आर इन अ माइल. एक मील में कितने फीट होते हैं. किसी बड़े से हेल्प लेके यहाँ पे राइट करें या इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं आप. सॉल्व -15 प्लस ब्रैकेट ओपन -5x ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 0. इस क्वेश्चन को भी बोर्ड मास रूल की हेल्प से सॉल्व करें और आंसर राइट करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो. होप यू आर एंजॉइंग योर वेकेशंस. हैव अ गुड टाइम.